भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2024 में पितृपक्ष का प्रारंभ कब होगा तथा पितृपक्ष का समापन कब होगा और पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कर्म हमें करना चाहिए और पितरों की तृप्ति के लिए किस प्रकार से श्राद्ध कर्म करना चाहिए और पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सभी को करना चाहिए। जैसे ही सूर्य देव कन्या राशि में आते हैं तो कनागत आरंभ हो जाता है और इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। जैसे ही पितृपक्ष आरंभ होता है वैसे ही पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सारे पितर अपने अपने परिजनों के आसपास मृत्यु लोक पर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों से, अपने पुत्रों से, उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए पिंड दान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे। इसलिए सभी को चाहिए कि अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म, पितृ कर्म अवश्य करें। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। वहीं पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध कर्म करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दिन श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करके, उनको याद करके उनका श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी पितृकर्म किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के रीति रिवाजों और संस्कारों को गर्भधारण से लेकर के मृत्यु उपरांत तक किए जाते हैं। उनमें अंत्येष्टि को भी अंतिम संस्कार माना गया है, लेकिन अंतिम संस्कार के पश्चात भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक की संतान को करना चाहिए। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक है। सबसे पहला कर्म जो होता है वह अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को ही श्राद्ध कहा गया है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करना। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, परंतु श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों को जो इस पृथ्वी पर नहीं है उन्हें एक विशेष समय में 16 दिनों की अवधि तक सम्मान दिया जाता है। इस अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी पूरे 16 दिन तक जो समय होता है उसे पितृपक्ष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पक्ष में पितृलोक से सभी पितर देवता अपने अपने परिजनों के यहां या तो कव्वे के रूप में या किसी अन्य रूप में या वायु रूप में निवास करते हैं और पूरे 16 दिन तक अपने परिजनों के द्वारा किया गया श्राद्ध तर्पण आदि प्राप्त करके पुनः पितृलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान को सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों को जीवन में कई प्रकार की कठिनाई आती है, संघर्ष होते हैं या उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, घर में क्लेश होता है, ऐसे में मानना चाहिए कि उनके घर में पितृ दोष है और पितरों के श्राप से ही हमारे घर में पितृ दोष निर्मित हो जाता है। पितृ दोष एक प्रकार का श्राप होता है। उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं और उनके जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है।
इसी कारण से पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से क्षमा याचना हो जाती है। श्राद्ध कर्म करने के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए और श्राद्ध करते समय सफेद वस्त्र, सुंदर वस्त्र, पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। पूर्वजों को तर्पण देने के लिए काले तिल, जौ, कुशा, चावल और जौ का प्रयोग किया जाता है। तर्पण अर्पित करने के बाद पितरों की शांति हेतु हवन या यज्ञ करना चाहिए या अग्नि के ऊपर धूप लगाना चाहिए। पितरों का जो पसंदीदा भोजन होता है वैसे तो खीर पूड़ी माना गया है, इसके अलावा अन्य जो भी वस्तुएं होती है वो भी पितरों को आप शुद्ध और पवित्रता के साथ अर्पण कर सकते हैं। कौवों को भोजन कराएं। पितृपक्ष में कौवों को पितरों का रूप माना जाता है। अपने यहां यदि संभव हो तो पंच बलि दे, गो माता को भोजन करवाएं, कुत्ते को ग्रास देवे, अतिथि को भोजन करवाएं, चीटी को भोजन करवाएं, मछलियों को भोजन करवाएं, अपने भांजे या दामाद को भोजन करवाएं तथा ब्राह्मण को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। पितृपक्ष की शुरुआत इस बार 17 सितंबर 2024 से हो रही है। वैसे 17 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी भी है, लेकिन मध्यान्ह व्यापिनी पूर्णिमा होने से पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर 2024 को ही संपन्न होगा और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर 2024 पितृमोक्ष अमावस्या के दिन होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन होगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन होगा। द्वितीया यानी दूज का श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन होगा। तृतीया यानी तीज का श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। वहीं चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार को होगा। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर 2024 रविवार को होगा। वहीं षष्ठी यानी छठ का श्राद्ध और उसके साथ इसी दिन सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को होगा। अष्टमी का श्राद्ध और व्यतिपात का जो श्राद्ध होगा इसी दिन श्री महालक्ष्मी व्रत भी रहेगा जो कि 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन होगा। नवमी का श्राद्ध और जीवतिया व्रत जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है जो कि इस बार 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन होगा। दशमी का श्राद्ध 26 सितंबर 2024 गुरुवार को होगा। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। वहीं इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का जो व्रत है वो 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रहेगा। द्वादशी का श्राद्ध, मघा श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध, प्रदोष का व्रत 30 सितंबर 2024 सोमवार को होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को होगा तथा सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगा। पितृपक्ष में आप प्रतिदिन पितरों को जलांजलि प्रदान करें। वैसे पितरों को जलांजलि देने का मतलब होता है कि पितरों को जल पिलाना। जलांजलि देने का जो कार्य है वो प्रतिपदा से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं या पूर्णिमा से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, यानी 17 या 18 दोनों दिन में से कभी भी आप आरंभ करके और 2 अक्टूबर तक निरंतर जलांजलि देवे। मध्यान्ह समय में या प्रातः काल की वेला में अपने घर में या जलाशय में जल में जौ और तिल डाल करके हाथ में कुशा लेकर के अंगूठे के माध्यम से इस प्रकार से आपको अपने पितरों का नाम गोत्र यदि याद है तो जलांजलि आपको प्रदान करना चाहिए। 5 बार या 21 बार जलांजलि सभी पितरों के निमित्त प्रदान कर देवे। उसके बाद घर में आकर के अग्नि तैयार करें, उसके ऊपर गुड़, घी, बिना नमक की रोटी का चूरा बना करके उसकी 5 आहुति प्रदान करें। यदि खीर पूड़ी आपने बनाई है तो उसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें और उसकी आहुति आपको अग्नि पर प्रदान करना चाहिए। और जिस दिन आपके पितरों की तिथि याद है या पितरों की तिथि होती है उस दिन ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान कराएं, तर्पण करवाएं, श्राद्ध कर्म कराएं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। यदि आप चाहें तो किसी भी देवस्थान, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में भी
पितृकर्म संपन्न करवा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर में कभी भी पितृकर्म नहीं करवाना चाहिए। देवालय भूमि या जो शिवालय होता है वो पवित्र भूमि मानी जाती है, वहां पर आप पितृकर्म संपन्न करवा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही आप पितरों के निमित्त अधिक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान पुण्य करें, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में ही आपके पितर भोजन ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक तरीके से पितृपक्ष के दौरान आपको कर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर पितरों का स्मरण करते रहना चाहिए। और यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी पिंड दान करवा सकते हैं, श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं, पितृदोष शांति के उपाय करवा सकते हैं। तो यदि आप पितृपक्ष में हमारे माध्यम से तर्पण करवाना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करवाना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं या अपने परिवार के पितृदोष की शांति करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें भेजें और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।